आप पहली बार राज साहब के साथ आए थे? हेलो मेरे नौजवान साथियों, आपका नमस्कार। मेरी माताओं बहनों, आपको प्रणाम। यहाँ था कि मंच पर हमारा एक साथी बैठा है, मेरा साथी भी है, मेरा दोस्त भी है और मेरा रिश्तेदार भी। मैं जब कभी इससे जोर से बोलता हूं, मेरे साथ में हाउस में बैठता था तो मुझसे कहता था, राज बब्बर चुप हो जा, तू मेरी बीवी का भाई है। और मैं डर जाता था कि मुझे कहीं वो ना बोल जाए जो अक्सर बोला करते हैं। तो मैं आया था, मेरे साथ में हमारे रिश्तेदार नेता रसूल की थी, मंच की गरमा बढ़ाते हुए हमारे जम्मू कश्मीर के सदर नेता अध्यक्ष वकास साहब, एक आदमी जिसका गला खराब था फिर भी बोल गया, मनोहरलाल शर्मा जी, हरदेव सिंह। गलती मेरी नहीं है, मैंने इनके चाचा के साथ में काम किया। हरदेव सिंह जी, मैं बोलने वाला था, कैंसर पार्टी एनसी इंडिया अलायंस के सभी लोग यहाँ पर मौजूद, आप सबसे इजाजत लेते हुए इस मंच के नौजवानों से, यूथ कांग्रेस से, सभी संगठनों के यहाँ पर मौजूद हैं, महिला संघ कांग्रेस के और भी तमाम दीगर नेता यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे इजाजत लेता हुआ मैं सोच के आया था कि आपसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, अपील करूंगा कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी उम्मीदवार को आप हाथ के पंजे पर प्रेस दबाकर कामयाब करना। अभी आपको देख के तो मुझे लगता है कि आप मुट्ठी उठा के कह दो बंद कर मुट्ठी, दोस्तों यहाँ और लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। मैं जो देखा, एक बंदा ऐसा है जो हमारा प्रत्याशी है जिसे लोग कंधे पर बिठा के ले जा रहे हैं, जो लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों के साथ चलता है, जो नीचे खड़ा उसको ऊपर उठा के गले लगाता है। और 10 साल से आप ऐसे बंदे को झेल रहे थे तो लोगों के बीच में, तो क्या अपने के बीच में भी जाता है। मैं एयरपोर्ट पर उतरा हूं, यकीन मानिए लोगों का ये कहना था, हम तो कभी कभी देखते हैं उनको, वो उधर से आते और वीआईपी लॉन से निकल के उधर से चले जाते। यहाँ के जो दुकानदार हैं जम्मू के, उनके घर में जब कामकाज के लिए कोई जाता है तो उसको धमकाया जाता है, जानता नहीं तू कहाँ खड़ा, जानता नहीं तू किसके घर में काम करने आया है। यानी इस गुरूर और इस अपने अहम के साथ जो शख्स दिया हो उसके सामने हमारा ये आदमी, हमारा ये बंदा, हमारा ये ऐसा शख्स जो लोगों का है, लोगों के लिए है, ये वो आवाज है जब संसद में गूंजती थी तो नजर आता था कि जम्मू की आवाज नहीं है। दोस्तों हमारे बड़े बड़े नेता आए, देश के बड़े बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले यहां पर आए, बड़े बड़े भाषण देकर चले गए, मैं नहीं जानता किसने क्या खाया, किसने क्या पकाया, वो खाने पकाने की बात करते रहे, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो पीएसडीएस के उन्हीं की एजेंसी, उन्हीं की संस्था, वो संस्था जो शिक्षा मंत्रालय की संस्था है, उसके सर्वे के अनुसार कि आज वोटर की क्या मांग है, उसका परसेंटेज निकाला गया तो 75 से लेकर 60% तक जो सबसे ऊपर अव्वल नंबर पर 3 आए उसमें
एक थी बेरोजगारी, दूसरी थी महंगाई और तीसरा था अग्निवीर। पचहत्तर फीसदी लोगों का मानना है कि महंगाई, ये वोटर कहता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, वोटर कहता है 71% व्यक्ति कहता है कि जहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी नहीं है, रोजगार नहीं, और 60-62% लोग कहते हैं कि जो नौजवान जो अग्निवीर की बात करते हैं कि जो 4 साल के बाद में रिटायर कर दिया जाए, वो लोग किस मुंह से आके यहां पर कहते हैं कि हमें तीसरी बार जिताओ, आप 15 साल रहना चाहते हो यहां पे और अग्निवीर एक नौजवान 20-22 साल कर रहे हो। क्या ये बच्चा 4 साल की नौकरी के बाद में ये रिटायर के लायक होगा? जो रिटायर के लायक है वो अपने आप को तीसरी बार जिताने की बात कर रहे हैं, आपके बीच में हाथ फैला रहे हैं। लेकिन नौजवानों, ये वीरों की धरती है, सब कुछ वो यहाँ पर, ये उधमपुर जो है एक ऐसी जगह है, मेरा भी यहाँ पर जीजा काम करता था, भी ये सब था सामान्य था, मैं जानता हूं कि धरती किनकी है। इस धरती के ऊपर वो शेर, वो सपूत, वो शहीद पैदा हुए हैं और 4 साल के बाद उनको रिटायर करने का काम कर रहे हैं आप। याद रखना, ये मैं वादे के साथ, दावे के साथ कह के जाता हूं, जिस दिन इंडिया एयरलाइंस की सरकार दिल्ली में बनेगी, ये आपका शेर अग्निवीर को इतिहास बनाकर रखेगा। ये माता रानी के आशीर्वाद से अपनी उंगली से, अपनी उंगली के अंदर जुम्बिश लेके आओ, ये उंगली जब बटन दबाओगे हाथ के पंजे पर तो अग्निवीर को दूर भगाने का काम करेगी, नजर आएगा। आओ इन नौजवानों के लिए हम अपनी उंगली का इस्तेमाल करें, यहाँ के हमारे बच्चे 4 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद क्या ये उधमपुर के बच्चे किसी बिल्डिंग के सामने जाके चौकीदार बनेंगे? क्या ये बच्चे पहरेदारी करेंगे? आओ अपने बच्चों की अस्मत को, अपने बच्चों की आने वाले चल को, भविष्य को सुधारने के लिए हम अलायंस के, इंडिया अलायंस के लोगों को कामयाब करें। और अपने भाई, मेरा तो और भी रिश्ता है चौधरी लाल सिंह को, मेरा तगड़े तरीके से मैं आया हूँ। भाई सोचो, पत्नी का भाई अगर आ जाए तो हाथ जोड़े तो क्या करना चाहिए? मैं अपनी बहन के साथ में, ये मेरी बहन भी शेर में, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हुआ आगे जाना है। मुझे लाल सिंह जी ने कहा था ज्यादा मत बोलना, मुझे बहुत ज्यादा बोलना, तो मैं अपनी बात घोषणा करते हुए, मैं लाल सिंह जी, अभी आपने बहुत दहाड़ा है, यहाँ दहाड़ लो भाई, अभी तो दहाड़ने का वक्त आपका संसद में भी आने वाला है, वहां भी दहाड़ेंगे, और वक्त आया तो संसद में भी दहाड़ेंगे।